नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जब भी आप जनाधार पोर्टल ओपन करते हैं तो आपको एक नई अपडेट देखने को मिली होगी, जिसमें अप्लाई फॉर अपील के बाद एक न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है दोस्तों, फैमिली ई केवाईसी का। अब फैमिली ई केवाईसी में क्या है, मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। फैमिली की केवाईसी का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जितने भी मेंबर्स हैं जनाधार में 5 साल से ऊपर, उन सभी का ई केवाईसी करना होगा। यदि आप ई केवाईसी नहीं करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की करेक्शन या फिर अपडेट जनाधार में नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात यही है कि 5 वर्ष से छोटे सदस्यों का आधार एवं ई केवाईसी अनिवार्य नहीं है। यदि आपके जनाधार मेंबर में कोई सदस्य 5 वर्ष से कम है तो उसकी ई केवाईसी की जरूरत है नहीं, और 5 वर्ष से बड़े जितने भी सदस्य हैं आप सभी, उन सभी का आपको ई केवाईसी करना है। यदि आप ई केवाईसी नहीं करते हैं तो उसमें जनाधार में आप किसी प्रकार की एडिटिंग या फिर किसी प्रकार की सेवा का जो है एडिटिंग वगैरह आप नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात है, इसमें आधार केवाईसी के बाद जनाधार की व्यक्तिगत पहचान संख्या केवाईसी किए जाएंगे। आधार के साथ हमेशा के लिए लिंक कर दिया जाएगा, जिसे भविष्य में बदला नहीं जा सकता। कृपया सदस्य के साथ ही सही आधार ही संख्या ही लिंक करें। केवाईसी करने से पूर्व सूचनाएं जांच ले। दोस्तों, यदि आप ई केवाईसी करते हैं यानी फैमिली ई केवाईसी करते हैं तो उस मेंबर की जो है आधार संख्या के साथ ई केवाईसी हो जाएगी। जैसा आधार कार्ड में है वैसा का वैसा जन आधार में हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा ई केवाईसी होने के तुरंत बाद। उसमें आप बाद में ना तो कुछ अपडेट कर सकते हैं और ना ही कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चौथी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो आधार ई केवाईसी के उपरांत आपकी जैसे फोटो है, आपका जेंडर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीजें जो है आधार से उठाकर डाटा डायरेक्ट आपका जन आधार पोर्टल में डाल दिया जाएगा। तो आपको बार बार जो है डेट करेक्शन, फोटो करेक्शन, आपका जेंडर, नाम वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार आप अपडेट कर लेते हैं ई केवाईसी के माध्यम से तो फिर आपका कभी भी अपडेट नहीं होगा। पांचवी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो जन आधार कार्ड में ई केवाईसी की रिसिप्ट संख्या होगी, वो रिसिप्ट संख्या के माध्यम से ही आपको बाद में जो है जन आधार एडिटिंग कर पाएंगे, जन आधार अपडेट कर पाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। यदि आप ई फैमिली ई केवाईसी नहीं करते हैं तो आप जो है इसमें किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते। मेरे इसमें आ चुकी है पोर्टल में, तो आपके भी 1-2 दिन लगेंगे, आ जाएगा वो ऑप्शन। तो आपको जो है जन आधार कार्ड की एडिटिंग कर लेनी है, ई केवाईसी कर लेना, ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। तो आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।